Which one of these is not a unit dosage form? Tablet, suppositories, powder, pellets. टैबलेट्स भी हमें यूनिट डोज में मिलती है, सपोजिटरीज भी, पैलेट्स भी, लेकिन पाउडर्स नहीं मिलते थे. इसका आंसर सी. सेकंड, मोनोफेजिक लिक्विड्स आर. मोनोफेजिक मतलब सिंगल फेज लिक्विड कौन से हैं? कोलाइडल सॉल्यूशन, सस्पेंशन, इमल्शन या नन ऑफ दिस. सस्पेंशन के अंदर भी हमें बाईफेजिक मिलते हैं, मतलब लिक्विड एंड सॉलिड. इमल्शन के अंदर भी दो होते हैं, लेकिन कोलाइडल सॉल्यूशन सिंगल होते हैं. इसी तरह के बिल है च्यवनप्राश सीजर. सॉलिड डोजेस फॉर्म, सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म, लिक्विड डोजेस फॉर्म, नन ऑफ दीज. च्यवनप्राश क्या होता है? च्यवनप्राश सेमी सॉलिड टाइप का फ्लूड होता है, प्योर सॉलिड नहीं होता, लिक्विड डोजेस फॉर्म भी नहीं होता, सेमी सॉलिड होता है जो हम खाते भी हैं. वो प्रॉपरली फ्लो नहीं करता और ना अपनी प्रॉपर शेप चेंज करता, लेकिन सेमी सॉलिड होता है, ऐसे गुथा हुआ आटा. Applications, doses form is meant for. Application doses form, इसका क्या मतलब है? Parenteral administration, oral parenteral administration, topical administration, ophthalmic administration. जो application है, कोई भी चीज़ apply करते हैं तो उसका मतलब क्या है? Topical का मतलब होता है skin पर लगाना, oral मतलब मुँह के द्वारा लेना, parenteral मतलब इंजेक्शन वगैरह के द्वारा, ऑप्थैल्मिक मतलब आई के द्वारा, एप्लीकेशन मतलब टॉपिकल होता है. कोलाइडल यूजुअली कंटेन्स, जो कोलाइडेंस होते हैं उनके अंदर क्या होता है? नाइट्रोसेलुलोज, सेलुलोज, मिथाइल सेलुलोज, कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज. इसका है जो कोलिडियंस होता है उसके अंदर होता है नाइट्रोसेलुलोज. इनके सेलुलोज के अंदर नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है. अगला, नेक्स्ट, प्रोपाइलिन ग्लिसरॉल इज यूज्ड इन ईयर ड्रॉप एज. जो प्रोपाइलिन ग्लाइकोल होता है वो हमारे ईयर ड्रॉप के अंदर यूज होता है. किस तरह? किस लिए? प्रिजर्वेटिव के रूप में, सॉल्वेंट के रूप में, एडिटिव के रूप में, या इनमें से कोई नहीं. जो प्रोपाइलिन ग्लाइकोल होता है वो सॉल्वेंट के रूप में होता है, जो उसके अंदर क्लोव ऑयल और अलग अलग तरह के टर्पेंटीन का ऑयल ये होते हैं, इनके साथ सोलिबिलिटी इनहेंस करने के लिए हम प्रोपाइलिन ग्लाइकोल मिलाते हैं. नेक्स्ट, लोजेंजेस आर सॉलिड डोजेस फॉर्म इंटेंडेड फॉर. जो लोजेंजेस होती है वो किस लिए होती है? फास्टर एक्शन के लिए, या डिसोल्यूशन, डिसोल्यूशन स्लो करने के लिए, या स्लो डिसइंटीग्रेशन करने के लिए. जो हमारे लोजेंजेस होते हैं वो किस लिए होते हैं? हमारे स्लो डिसोसिएशन. जो हमारा घुलने का रेट है उसे स्लो करने के लिए. अगला, एक प्रोड्रग क्या होता है? फार्माकोलॉजिकली इनएक्टिव डेरिवेटिव होते हैं, मेडिसिनली एक्टिव होते हैं, इनर्ट सब्सटेंस होते हैं, इनमें से कोई नहीं. जो हमारे प्रोड्रग होते हैं बेसिकली क्या होते हैं? फार्माकोलॉजिकली इनएक्टिव डेरिवेटिव, मतलब थेरेपेटिक यूज के अंदर ये मेनली इनएक्टिव होते हैं. मेडिसिनल एक्टिविटी इनकी होती है, लेकिन इनएक्टिव का मतलब यहाँ है कि एडवर्स इफेक्ट एकदम से नहीं करती है प्रोड्रग. सप्लीमेंट्स वगैरह भी इसके अंदर आते हैं. इम्प्लांट्स आर डिजाइन फॉर. जो इम्प्लांट्स है वो किस लिए डिजाइन किए जाते हैं? प्रोलॉन्ग एक्शन के लिए, फास्ट एक्शन के लिए, इंक्रीज्ड एफिशिएंसी के लिए, नन ऑफ दिस. वैसे इसके अंदर सारी ठीक है ऑप्शन, लेकिन जो मेन, सबसे ज़्यादा मेन यूज होता है इम्प्लांट्स का वो होता है प्रोलॉन्ग एक्शन. और ऑफिशियल आंसर की के अंदर भी यही आंसर है. ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है. नेक्स्ट क्वेश्चन, इन, ये तो बोला भी नहीं जा रहा क्या है. एवोइड प्योर सिस्टम द स्टैंडर्ड यूनिट फॉर वेइंग इज. ये जो भी सिस्टम है, मेरे पे प्रोनाउंसिएशन नहीं हो रही इसकी, एवोल ड्यूप्योस जो भी है, ये किस लिए होता है? मैंने भी सीधा रटा है, मतलब चेक किया है ऑफिशियल आंसर की से. इसका आंसर है सी, पाउंड, अंग्रेजों का सिस्टम.
इन एपैथो कैरीज द स्टैंडर्ड यूनिट वेट, जो एपैथो कैरीज होता है इसके अंदर स्टैंडर्ड यूनिट वेट हम क्या लेते हैं, इसके अंदर होता है ग्रेन, और इससे पहले जो था इसके अंदर पाउंड और इसके अंदर ग्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, SI यूनिट मतलब इंक्लूड्स, इसके अंदर क्या होता है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स के अंदर, MK सिस्टम जो सुना है वही होता है मैट्रिक सिस्टम। एक सेकेंड, MKS, एम से मीटर लेंथ की, किलोग्राम वेट की, सेकेंड टाइम की। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ कैपेसिटी मेजरिंग मेजरमेंट इन एम्पेरिकल सिस्टम, एम्पेरिकल सिस्टम में मेजरमेंट की कैपेसिटी मेजरमेंट के स्टैंडर्ड यूनिट क्या होती है, गैलन, जो हम सुनते हैं जैसे क्रूड ऑयल है ये 130 पर गैलन है, ए 1 गैलन के अंदर 159 लीटर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इससे पहले ये मिटा दो, 1 pound एपोटिकेरी इज इक्वलेंट टू, 1 pound एपोटिकेरी किसके बराबर होता है, इसका आंसर है 5760 ग्रेन। ये सीधा कुछ क्वेश्चन रटने वाले होते हैं। 1 grain इज इक्वलेंट टू, जो 1 grain है जो हमने यहाँ पढ़ा था, ग्रेन सिस्टम ये रहा, ये एप्टो कैरी सिस्टम, इसके अंदर ग्रेन होता है, 1 grain किसके बिल्कुल होता है, ये होता है 64.78 मिलीमीटर।